तो देखिएगा कि हमारे भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधन। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में खास करके पाई जाती हैं। हम अगर खनिज की बात कर लें तो खनिज होते क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो है खनिज होते क्या हैं। तो देखिएगा अगर मैं बताऊँ आपको ये खनिज क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी के भूपरपट्टी के नीचे, क्या है भूपरपट्टी, इनकी ऊपर वाली लेयर जो होती है, ठीक है, हमारे पृथ्वी की भूपरपट्टी के नीचे पाए जाने वाले धात्विक और अधात्विक जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, ठीक है। जब ये खनिज निकालना मूल्यवान होता है, हमारे लिए अच्छी प्रॉफिट कह सकते हैं, हमें प्रॉफिट अच्छा पहुंचाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं अयस्क। यानी कि जब खनिजों को पृथ्वी की भूपरपट्टी से निकालना लाभदायक होता है तो वो हमारे लिए खनिज नहीं अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। तो खनिजों में ही अयस्क होते हैं, लेकिन खनिजों के उस रूप को जो हमारे लिए मूल्यवान होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमारे किसी क्षेत्र में लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, अब मैंने उसमें खुदाई की, उसमें लागत लग गई मेरी 1,00,000 रुपये और जो लोहा निकल के आया वो निकला मेरा 80,000 या 90,000 रुपये का, या 1,00,000 का ही निकल आया, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ क्या? तो नहीं हुआ ना। तो वो खनिज तो था, क्योंकि लो आयस उसमें थे तो खनिज तो था वो, लेकिन वो आयस्क नहीं कहलाएगा, क्योंकि आयस्क इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, हमें लाभ उसने नहीं पहुंचाया, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं था, ठीक है ना। तो ये देखिएगा हमारा इंडिया मैप है, और इंडिया मैप में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खनिज और जो अयस्क हैं वो हमारे पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी कि भारत के ऊपर कहाँ कहाँ कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिया के मैप के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खनिजों का वर्गीकरण की बात कर ले तो खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में खनिजों को डिवाइड किया गया है, मतलब खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि पहला पॉइंट है धात्विक खनिज, यानी कि वो खनिज, धात्विक खनिज मतलब यानी वो खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातु गुण पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। फिर आता है ऊर्जा संसाधन, क्या है ये हमारे ऊर्जा खनिज है। ऊर्जा खनिज यानी कि जिनका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में या किसी भी साधन के रूप में, इनके ईंधन के रूप में जिनका इस्तेमाल करते हैं वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। तो हम इनके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले धात्विक खनिजों को हमने कितने कैटेगरी में बांट दिए गए, 3 कैटेगरी में। यानी कि सबसे पहले देखेंगे आप लोह खनिज, अलोह खनिज और उसके बाद में बहुमूल्य खनिज, ठीक है ना। तो हमने कितने भागों में धात्विक खनिजों को बांटा है, 3 भागों में। देखिए क्या है कि इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी स्पीड से करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, और खास करके इसमें ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कवर कर लिया जाए और नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट ना बने, इनकेस अगर बन भी जाता है तो इस पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद से खनिज लवर से संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ लें धात्विक खनिज में लोह खनिज, अलोह खनिज और बहुमूल्य खनिज। देखिए लोह खनिज क्या होता है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये लोह खनिज हैं। अलोह खनिज कौन से हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे तांबा, सीसा, उसके बाद में जस्ता, बॉक्साइट, ये सब क्या हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, लोहा नहीं पाया जाता। बहुमूल्य खनिज क्या होते हैं, बहुमूल्य यानी कि जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह, ये बहुत कीमती वस्तुएं हैं, कीमती धातुएं हैं, इसलिए ये बहुमूल्य खनिजों में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन है तो ये धातु ही, इसलिए धात्विक खनिज में आते हैं। बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज यानी कि जिनमें धातु गुण नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा वैसे खनिज जिनमें धातुओं का अंश नहीं होता है, धातु गुण नहीं होते हैं, धातु का भाग नहीं पाया जाता है, जैसे कि अभ्रक जिसको हम माइका भी कहते हैं, उसके बाद देखिएगा नमक, ठीक है, NaCl नमक जो है, पोटास, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि, ये क्या हैं, ये खनिज हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाती हैं या फिर कुछ समय के बाद हजारों सालों में जो बने होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं निकालना मुश्किल होता है, लेकिन प्राप्त करते हैं हम लोग। जैसे कि समुद्र के पानी को जब वाष्पित किया जाता है तो नमक मिलता है, लेकिन क्या वो नमक समुद्र में एक दिन में तैयार हुआ, नहीं ना, हजारों साल लगे तब उसमें नमक तैयार हुआ, तो वो भी एक खनिज है।
तो इस प्रकार से ये, लेकिन ये कैसे खनिज है, अधात्विक खनिज है, इनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बात करते हैं ऊर्जा खनिज की। ऊर्जा खनिज यानी कि वो खनिज जिनका इस्तेमाल करने पर, वो खनिज जिनका इस्तेमाल करने पर हमें ईंधन की प्राप्ति होती है या जिनका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो कहलाते हैं ऊर्जा खनिज। जैसे कि आपको बता दें, देखिए वैसे खनिज जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति होती है, मतलब ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ठीक है। कोयला, क्या कोयला एक दिन में बनता है ना, नहीं बनता। पेट्रोलियम एक दिन में बनता है क्या, नहीं बनता। यानी कि प्राकृतिक गैस नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं और फिर इनको प्राप्त करना, जिस तरीके से हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरीके से है कि अत्यधिक दोहन हो रहा है, अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है और फिजूल भी इस्तेमाल करते हैं। अब जाना है आपको मार्केट में सब्जी लेने के लिए, गाड़ी लेके जा रहे हैं आप, तो पेट्रोलियम वाला पेट्रोल खर्च कर रहे हैं आप। जाना है कि हमारे पास जैसे गाड़ियाँ हैं, फोर व्हीलर है, कोई ऑफिस जा रहा है तो बंदा अकेले लेके चला जा रहा है। अब उसमें चार लोग भी जा सकते थे, लेकिन एक बंदा लेके जा रहा है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं भी हो रही। तो आगे इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जी, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये ऊर्जा खनिज हैं, ठीक है। और ये भी हमें पृथ्वी की भूप्रपट्टी से मिलता है। तो आप अगर एकदम बिल्कुल प्रमाणित जो डेफिनेशन आप खनिज की देना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की भूप्रपट्टी में के अंदर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, खनिज कहलाते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सी और वास्तविक आप कह सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया खनिजों की प्राप्ति के स्थल है, आखिरकार हम खनिजों को कहाँ कहाँ से निकालते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं कि हम खनिजों को प्राप्त कर लेते हैं। आपको कि हमारा खेत है, कि हम खेत को खोदेंगे क्या वहाँ से हमारा खनिज निकल आएगा क्या, कि हमारे पास एक पहाड़ है उसको खोदने से खनिज निकल आएगा क्या। तो क्या है, खनिजों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग जो है क्षेत्र होते हैं हमारे पृथ्वी के, जहाँ पर अलग अलग विशेष प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में हम जस्ता निकाल सकते हैं, तांबा निकाल सकते हैं, जिंक और सीसा की प्राप्ति हम आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों से करते हैं। ये सेल्स क्या होती हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसको समझिए कौन सी सेल में हमें मिल रहा है। तो देखिएगा, आग्नेय सेल में हमें मिलती है जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानें क्या है, जो आग्नेय चट्टानों से ही बनी हुई हैं, अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। कोयला, पोटास और सोडियम हमें अवसादी चट्टानों से मिलता है। ध्यान रखना, कोयला, पोटास और सोडियम हमें किससे मिल रहा है, अवसादी और नमक, सोडियम नमक जो है हमें अवसादी चट्टानों से मिलता है। धरातली चट्टानों के अपघटन से क्या मिलता है, अपघटन मतलब होता है टूटना, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो धरातली चट्टानों के टूटने से हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। आगे आ जाइए, देखिएगा, जड़ोर जमाव या प्लेशर विक्षेप की वजह से, यानी कि जब पानी बहता हुआ आता है और आसपास कुछ ना कुछ अपने साथ में खाद वगैरह, मतलब जो गाद वगैरह लेकर आता है, गाद वगैरह जमा कर देता है ना, तो उस समय मिलता है सोना, चांदी और टिन और प्लेटिनम मिलता है, ठीक है। जैसे आपने एक सोन रिवर के बारे में सुना होगा, सोन नदी हमारे भारत में बहती है और उसके कहते हैं कि भाई उसके अंदर जब रेत पाई जाती है ना, उसको छानने पर सोना निकलता है। वो सोना आता कहाँ से नहीं पता, पर कहीं ना कहीं से तो लेकर आती है ना, तो कहीं ना कहीं कोई सोने का पहाड़ है जहाँ से वो लेकर आ रही है, और उसकी खोज अब तक नहीं हो पाई, लेकिन हो जाएगी जिस दिन, उस दिन हम माला माल हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो जड़ोर जमाव और प्लेसर निक्षेप की वजह से भी क्या होता है, सोना, चांदी और टिन की प्राप्ति हो जाती है हमें। वहीं हम बात करते हैं महासागरी जल, जो समुद्र का पानी होता है, उससे हमें नमक मिलता है और मैग्नीशियम और ब्रोमाइड मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग जगहों से हमें खनिजों की प्राप्ति होती है, अलग अलग स्थल हैं, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि बताइए महासागरीय जल जो है से हमें कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो आप क्या बताओगे, हमें नमक मिलता है, हमें मैग्नीशियम मिलता है और हमें ब्रोमाइड मिलता है, ठीक है। तो आप बड़े झजक कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बस इसको याद कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसको ले रखा है, और आप समझिए आपके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये खनन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि जब हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं, देखो हमें पता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी के नीचे खनिज लवण है। अब खनिज लवण की प्राप्ति कब होगी, जब उनको हम खोदेंगे ना, तो खोदने को ही हम खनन कहते हैं। सिंपल भाषा में खोदना, किसी चीज़ को खोद रहे हैं ना आप, जमीन को खोद रहे हैं ना, वही खनन है। लेकिन जब खोदने का जो कह सकते हैं प्रकार किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए होता है, और अधिक पैमाने पर जब खुदाई होती है, कई हजार मतलब कई फीट, यानी कि 15 से 20 और 30 फीट तक गहराई तक जब खुदाई हो जाती है, इसी को ही हम खनन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के गर्भ से धातुएं निकालना, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है।
समझ में आया ना, खुदाई करके ये चीज़ों को तो निकालेंगे ना, बस सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि यह खनन क्या होता है, बहुत जोखिम भला वाला होता है। जोखिम वाला क्यों होता है, आप बताइए। ज़मीन के अंदर खोद रहे हैं, सुरंगें बना बना के खोद रहे हैं, गलती से सुरंग फट गई या गलती से सुरंग धस गई तो कितने सारे लोग मारे जाएंगे, तो नुकसानदायक है कि नहीं है, देखिएगा। क्योंकि इसमें संसाधनों को बाहर निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाई जाती है। अब क्या कह रहे हैं, इस दौरान खनन में खानों में जहरीली गैसें का रिसाव भी होता है। कई जहरीली गैसें होती हैं कि हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, और अब पृथ्वी के अंदर आप जा रहे हो, पता नहीं कौन सी गैस वहां पे, अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपको दम घुट के तो वैसे मर जाना है। और आग लगने का भी डर होता है, गलती से आप खुदाई कर रहे हैं। क्या होता है कि पहले आदिम जमाने में, बहुत पुराने समय में क्या था, आग का आविष्कार पत्थर रगड़ने से हुआ था। अब आप खान खोद रहे हैं, इनकी अंदर पृथ्वी को खोद रहे हैं, कई चट्टानों को खोद रहे हैं, अगर गलती से चट्टानों को में आपने खुदाई की तो अगर वहां से हल्की सी चिंगारी बनी और गैस अगर वहां मौजूद है तो आप पता है गैस कितनी तेजी से चिंगारी पकड़ती है, तो पूरी की पूरी सुरंग ब्लास्ट हो सकती है। बहुत सारे बेचारे निर्दोष जो अपने पेट पालने के लिए उस सुरंग में काम कर रहे थे वो मारे जाएंगे, है ना। तो खदानों में भारी भरकम जो है पानी भरने या खदान की छत के धंसने के कारण जान माल के हानि होने की आशंका बनी रहती है। अब पानी धंसने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, आप यहाँ पे खुदाई सुरंग में खुदाई करते हुए आ रहे हो, है ना, और गलती से आपने इसको खोद दिया और ये पूरा पानी अंदर ही आएगा ना, और जब आएगा तो बहुत प्रेशर के साथ आएगा और पूरी सुरंग में भर जाएगा जहाँ पे आप सांस तक नहीं ले सकते, तो कंडीशन क्या होगी कि बेचारों के दम घुटने से वहाँ से जो है लोगों की मौत हो जाएगी। तो खदान में पानी भरने या खदान की छत धंसने से भी कई बार खदानें बहुत ज़्यादा ऊपर जो है किसी का लोड होने की वजह से पूरी पूरी सुरंग धंस जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ठीक है, होता क्या, इसके अलावा यहाँ काम करने वालों वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यानी कि जब ज़मीन के अंदर से काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो धूल धक्कड़ में, धूल मिट्टी कण में आप सांस ले रहे हैं, वो जमा होती रहती है, तो आपके लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, है ना, उनमें क्या होता है, धीरे धीरे ये धूल मिट्टी कण जमा होने लगते हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ये खनन के क्या हैं, एक तो लाभ हैं, लाभ क्या है कि हमें ये सारी उपयोगी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना, क्यों अगर लोहा ना मिलता होता तो आज हम इतनी सारी चीज़ें लोहे की जो है इस्तेमाल करते हैं, क्या हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो लाभ तो बहुत सारे हैं खनन जो है खनिज लवणों के, लेकिन नुकसान भी तो है ना, तो नुकसान ये है, तो ध्यान रखना नुकसान क्या क्या है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि भैया कौन सा लोह मतलब कौन सा खनिज जो है वो कहाँ से पाया जाता है, हमारे भारत में कौन से स्टेट से कितनी मात्रा में, कितना अधिक मात्रा में, कौन सा स्टेट ऐसा फेमस है जो अलग अलग जो है खनिजों के लिए फेमस माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। इससे अब बात करते हैं लोहे की, किसकी बात कर लेते हैं, लोह। तो लोहा जो होता है, देखिएगा, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, लोहे का, लोहा का पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है, ये रहा हमारा उड़ीसा, क्या है, ये है उड़ीसा, इसमें लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लोह अयस्क का उत्पादन इधर ज़्यादा होता है, लोहा का उड़ीसा कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है बताएं जरा, वहाँ दे रखा है 52%, कितना 52% यहाँ पे लोह का पैदावार होती है। छत्तीसगढ़ में 16%, ये रहा छत्तीसगढ़, कहाँ है ये रहा छत्तीसगढ़, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये रहा छत्तीसगढ़ हमारा, छत्तीसगढ़ में कितना मिल रहा है देखें जरा आप, मैं इसको हल्का सा सिंपल सा दिखा देता हूँ, इधर देखना, ये है हमारे पास में उड़ीसा, इसमें हो रहा है 52%, फिर है हमारे पास में छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़, यहाँ पे कितना हो रहा है छत्तीसगढ़ में देखें आप, 16% छत्तीसगढ़ में हो रहा है। फिर उसके बाद दे रहे कर्नाटक, कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक में पैदावार कितनी हो रही है बताएं जरा आप मुझे, तो कर्नाटक में 14% है, कितनी है कर्नाटक में जो है पैदावार हो रही है 14%, तो 14% तक दो यहाँ पे 14%। और झारखंड बचा हमारे पास, क्या बचा, ये रहा झारखंड, दिख रहे हैं आप, ये है झारखंड, ये झारखंड रहा, इसमें है 11%, कितना है इसमें 11%। तो ये वो स्टेट हैं जहाँ पर लोहे अयस्क पाया जाता है, यानी कि लोह अयस्क की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्गा बस्तर जो है चंद्रपुर पेटी, बल्लारी यानी कि चित्रगुप्त, और चिकम जो है चिकम गतरू, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम है वहाँ उनकी लैंग्वेज में रहते हैं, तो है चिकम गतरू या तिम जो है तिम कुहू देही, ये है आपका एक खान। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा पेटी है, और महाराष्ट्र गोवा पेटी ये देखो यहाँ है, इस जगह पर है महाराष्ट्र गोवा पेटी, ठीक है ना। तो ये वो पेटी का मतलब जानते हैं क्या है, वो स्थल जहाँ पर लोह अयस्क को जो है कह सकते हैं निष्कासित करने का कार्य किया जाता है, या निष्कर्षण का कार्य, निष्कासित नहीं निष्कर्षण का कार्य किया जाता है, लोह अयस्क को जहाँ लोह अयस्क में से लोहा प्राप्त करने का जहाँ काम किया जाता है, पेटियाँ होती हैं और खानों के पास ही लोह पेटी में जो है इनकी पेटियाँ बनाई जाती हैं। पेटियाँ मतलब एक प्रकार की कारखाना, बड़ा फैक्ट्री समझ लो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट,
सॉरी पहले यहाँ देखिएगा उपयोग क्या है, आधारभूत खनिज लोहा क्या है, हमारा आधारभूत खनिज है। यानी कि आज अगर हम औद्योगिकरण देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कारखाने सब में मशीनों की आवश्यकता होती है और सारी मशीनें बनी किससे होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। तो यानी कि एक ऐसी धातु जो हर जगह इस्तेमाल होती है, जैसे कि सब्जियों में आलू हर जगह इस्तेमाल होता है ना, उसी प्रकार से खनिजों में से लोहा हर जगह इस्तेमाल होता है। और अगर लोहा ना हो तो इतना आविष्कार भी इतना विकास भी ना हो सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अन्य अब कह सकते हैं खनिजों का आधारभूत खनिज है ये। ठीक है, और एक कह सकते हैं उद्योग की रीढ़ होती, क्या होती है ये, विकास की रीढ़ है, औद्योगिकरण की ये रीढ़ की हड्डी भी है। अगर लोहा नहीं होगा तो कोई भी देश तरक्की भी नहीं कर पाएगा। मैग्नेट है, मैग्नेटाइट आयस, ये मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट आयस में 70% लोहा पाया जाता है। सर्वोत्तम चुंबकीय गुण होता है इसके अंदर, विद्युत उपयोग में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, मैग्नेटाइट का। ध्यान रखना, मैग्नेटाइट नामक जो लोहा अयस्क होता है उसमें कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है, 70% पाया जाता है। और मैग्नेटाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय गुण के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और विद्युत उपयोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेमेटाइट। ये हेमेटाइट अयस्क है, इसमें 50-60% लोहा का लोहा पाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अयस्क है। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, लोहा का मतलब जो है औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में जितनी मशीनें हैं कारखाने में जो लोहा इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे हेमेटाइट लोहा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 50-60% तक का लोहा की मात्रा होती है, लोहांश पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए मैंगनीज की बात कर लेते हैं, ये भी लोहा इसमें भी लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो ये भी कह सकते हैं लोह खनिज है। अब लोह खनिज में मैंगनीज की बात करें तो ये देखिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश आप देख पा रहे हैं, ये देखो येलो वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये क्या है, मध्य प्रदेश है, ये पूरा मध्य प्रदेश है। और इस मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पाया जा रहा है, 27%। कितना, 27% जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। महाराष्ट्र में 25%, ये बगल में लगा हुआ महाराष्ट्र है, देखिए आप इसमें कितना है, 25% है, 25% जो है मैग्नीज मिलता है यहाँ पे। उड़ीसा में 25%, उड़ीसा कहाँ है ये रहा देखिए, उड़ीसा में कितना है, 25% उड़ीसा मिलता है। वहीं पर कर्नाटक में 11% है, कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक हमें कितना देता है लोहेस्क मैग्नीज, कितना दे रहा है कर्नाटक, 11% दे रहा है कर्नाटक। और आंध्र प्रदेश में मिलता है 10%। आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये देखो ये वाला बॉक्स दिख रहा है ना, ये आंध्र प्रदेश कहते हैं। इसमें कितना मिल रहा है हमारे पास, मात्र 10% जो है मैग्नीज मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ से मिल रहा है, मध्य प्रदेश से। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीज की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है भारत में, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों ही आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों ही हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पर, इस्पात निर्माण में, इस्पात बनाना, इस्पात का मतलब होता है स्टील, क्या स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं बताऊँ 100 किलो मतलब 1000 किलो, कितना 1000 केजी में, 1000 केजी में अगर मैं 10 केजी, कितना 10 केजी मैग्नीज मिला दूँ, क्या मिला दूँ, 10 केजी मैग्नीज मिला दूँ, अगर मैं मैग्नीज मिला देता हूँ तो होगा क्या पता है आपको, तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस्पात बनेगा, क्या बनेगा, इस्पात बनेगा। इस्पात मतलब समझ में आया, स्टील, क्या बना हमारा, स्टील बना। तो 1000 किलो क्या होगा, 1000 किलो लोहा होगा, क्या होगा, लोह आया। यानी कि 1000 लोह अयस्क में अगर हम सिर्फ 10 किलो मैग्नीज मिला दें तो हमें स्टील मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आगे। ब्लीचिंग पाउडर है जो थोबड़ा को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब थोबड़ा मतलब समझे फेस को, यानी कि जो फेशियल वगैरह होते हैं ज़्यादातर ब्लीच वगैरह जो होती हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है ब्लीच पाउडर बनाने में। कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करने में, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने में, यानी कि इनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है मैग्नीज का। व पेट जो है कि सब पेटी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पेंट होता है ना, पेंट जानते हो हम घर में यूज़ करते हैं पेंट को, तो जो पेंट हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं अपने मुझे जैसे मान ली यहाँ रूम में मैंने दीवारों में पेंट करवा रखा है, तो ये पेंट जो होता है इसका किससे बनता है, ये भी मैग्नीज की सहायता से ही बन पाता है। तो आप देख पाएंगे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे वो आपका कीटनाशक दवाइयाँ हो, चाहे हमारा पेंट हो, और तो और इस्पात का निर्माण हो रहा हो, स्टील का निर्माण हो रहा हो, ये सारी चीज़ें हमारी मैग्नीज से बन रही हैं। और मैग्नीज पाया कहाँ जा रहा है आपको यहाँ बता दिया है मैंने अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखें तांबा, किसकी बात कर रहे हैं, ये तांबा है। और तांबा खास करके अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तांबा की मात्रा क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है तांबा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, ये है मध्य प्रदेश में तांबे की मात्रा पाई जाती है, यहाँ पे तांबा है।
फिर झारखंड है, तवा में बालघाट, तवा में कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, बालघाट में पाया जाता है। और झारखंड है, झारखंड में सिखमूस, कहाँ है झारखंड, देखो ये झारखंड, झारखंड में सिखमूस जगह पर पाया जाता है। और राजस्थान में खेतड़ी में, ये है राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, ये खेतड़ी नामक जगह पर ये तांबा पाया जाता है। और देखिएगा तांबा की विशेषताएं क्या है, ये आघातवर भी होता है और तन्य भी होता है। तांबा आघातवर मतलब इसको चौड़ा भी किया जा सकता है तांबे को, है ना, और इसको खींचा यानी तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। और ये विद्युत का अच्छा चालक भी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सामानों में, जो है इलेक्ट्रिक सामानों में इसका इस्तेमाल होता है, विद्युतीय उपकरणों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ताप सुचालन जो है सुचालक होने के कारण बिजली के तार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायन उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योग में भी तांबे का इस्तेमाल अधिक मात्रा में होता है। बाकी आप देखें एक दो और तीन, ये तीन स्टेट हैं जहाँ पे भारत में तांबा पाया जाता है, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, इसके अलावा और कहीं तांबा नहीं पाया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात कर ले। देखो एल्यूमिनियम भारत में जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, गुजरात और भी गुजरात में ये पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की कि भैया उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। उड़ीसा में कितना पाया जाता है एल्यूमिनियम, 49%, कितना पाया जाता है उड़ीसा में 49% पाया जाता है। गुजरात में 24% होता है, गुजरात में 24% है, झारखंड में 9% है, झारखंड में 9 है और छत्तीसगढ़ में 8% है। तो ये है मतलब हमारे एक दो तीन और चार स्टेट जहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसकी देखिएगा ये बॉक्साइट आयस्क क्या है, एल्यूमिनियम को हम किससे निकालते हैं, बॉक्साइट नामक जो आयस्क है उससे हम इसे प्राप्त करते हैं। लोह जैसे शक्तिशाली परंतु अत्यधिक हल्का एवं अत्यधिक आघात वर्द भी होता है। ठीक है, यानी कि लोह जैसा शक्तिशाली भी होता है एल्यूमिनियम, और तो और ये अत्यधिक हल्का भी होता है, लोहे के मुकाबले एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है। मोस्टली आपने देखा होगा हम सीसीबी से कमल ऑफिस में सीसीबी से लगवाते हैं, गेट बनवा रहे हैं तो एल्यूमिनियम की गेट वगैरह भी आने लगे हैं, तो वहाँ उनमें शीशे जो फंसाने के लिए जो एल्यूमिनियम की पत्ती होती है ना वो एल्यूमिनियम कहलाता है। और तो और आपको बता दें ये हल्का भी होता है लोहे के मुकाबले और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। ठीक है ना, कौन एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम की कीमत लोहे के मुकाबले महंगी होता है, मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादा कीमती होता है। और अत्यधिक आघात वर्द भी होता है, कि मैंने बताया लोहे के चादर वगैरह भी बनाए जाते हैं, गेट वगैरह भी बनते हैं एल्यूमिनियम के, तो आघात वर्द भी होता है, यानी इसको पीट कर हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं किसको, एल्यूमिनियम को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक समझ में आया ना, मैंने बताया था माइका, अभ्रक क्या है, एक प्रकार का माइका है और जो इस्तेमाल होता है खास करके कई जितनी भी साइनिंग चीज़ें हैं, जैसे ये देख लो ना आप, इसमें भी हल्की हल्की जो साइन आ रही है ना, साइनिंग जो आ रही है, वो साइनिंग में इस्तेमाल किसका इस्तेमाल हुआ है, अभ्रक का यूज़ हुआ है। तो अभ्रक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये कहाँ पाया जाता है, बिहार झारखंड की जो है कोडरमा गया हजारीबाग पेटी में पाया जाता है। कहाँ पर देखिएगा, ये है बिहार, ये आप देख पा रहे होंगे ये है बिहार, यहाँ पे हजारीबाग कोडरमा पेटी है, कहाँ है हजारीबाग पेटी है, कोडरमा गया में, गया तो जानते हैं आप कहाँ पर है, तो गया में कोडरमा पेटी है हजारीबाग के नाम से, तो वहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान के अजमेर में पाया जाता है, तो राजस्थान में भी मिल गया, राजस्थान के अजमेर में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जो है, नेल्लोर में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश ये रहा, आंध्र प्रदेश के कहाँ पाया जाता है, ये नेल्लोर में पाया जाता है, कौन अभ्रक पाया जाता है। तो आप देखेंगे तीन स्टेट में अभ्रक हो गया हमारा, बिहार और राजस्थान और आंध्र प्रदेश, कौन कौन, बिहार राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसका अभ्रक का यूज़ क्या है, सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति होती है इसकी, क्या होता है सबसे अधिक परावैद्युत शक्ति की वजह से क्या होता है, ये ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है और क्या होता है ये विश्वाहन गुण उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण विद्युत व इलेक्ट्रिक उद्योग में प्रयोग होता है। और देखिए इसलिए इसकी उच्च गुणवत्ता उच्च वोल्टेज की वजह से क्या होता है, ये प्रतिरोधकता होती क्षमता, उच्च प्रतिरोधकता क्षमता होने की वजह से इसका विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल होता है अभ्रक में। बात करते देखिए यहाँ पे चूना पत्थर की, चूना पत्थर जो है हमारे देश के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे ये पाया जाता है। लेकिन चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में 21% पाया जा रहा है, ध्यान रखना 21% राजस्थान में, 11% मध्य प्रदेश में है, 11% है मध्य प्रदेश में और 11% छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में भी 11% है और कर्नाटक में है 10%, बाकी अन्य में छोटा छोटा पाया जाता है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे 21% है राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है,
राजस्थान में पाया जाता है। और ध्यान रखना, ये चूना पत्थर ज़्यादातर किससे बना होता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में, सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल होता है। बिना चूना पत्थर के सीमेंट नहीं बन सकता। और बताइए, बिना सीमेंट के कोई मकान बना सकता है, छत बना सकता है? नहीं बना सकता। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीमेंट के लिए चूना का इस्तेमाल करना, ठीक है। और लोह पिघलन में भी इसका इस्तेमाल होता है। पिघलन मतलब होता है गलाना। लोह भट्टियों में भी इसका इस्तेमाल होता है चूना पत्थर का, ठीक है। देख ले, ऊर्जा खनिज यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। देखिएगा क्या है कि ये पार्ट वन रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और यहीं पे हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, इस पार्ट वन को। देन इसके बाद पार्ट टू लेकर आएंगे, ठीक है। और आपको अब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कमेंट जरूर करें कि अब तक आपको ये वीडियो के मतलब डाउट कहाँ लगे हैं आपको, इसमें कहाँ समस्या आई है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि, और बेहतरीन तरीके से आप उसमें अपनी राय भी रखिएगा कि आखिरकार कि आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।